रशीद भाई, थोड़ा जो है ना वर्कशॉप पे भी ध्यान दे लो। जब आता हूँ तब ही नहीं होते यार। यार तो बस क्या बताऊँ तेरे को, काम इतने हैं यार, कभी इधर कभी उधर। बाकी टेंशन नहीं ले, तू मेरे को बस फोन कर दिया कर तो मैं अजय करूँगा। हाँ फोन करते, अगर फोन तो उठाते नहीं हो, बड़े तेज हो है इधर। कहते तो फोन कर दिया कर और फिर आते नहीं हो खुद। अबे यार क्या बताऊँ तेरे को यार, इतना काम है यार। असल में यार अपनी गाड़ी के पीछे ढूंढ रहा हूँ, एक मिल जाए तो फिर बस फिर फ्री है भाई तेरा। हाँ ज़रा जो है ना थोड़ा वर्कशॉप पे ध्यान दो, पता लगे बंद ही पड़ी हो है। अबे अबे टेंशन नहीं ले यार, बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे पास। वो तो है, लेकिन जब कोई जब भी आता हूँ मैं तब होते नहीं हो यार आप। अरे नहीं, लड़के जी में टेंशन नहीं ले, आज जब भी आएगी तेरे को इधर ही मिलूंगा यार। अभी बस थोड़े से कल के दिन थोड़ा बिजी है, फिर वेला ही है भाई तेरा। चलो ठीक है फिर। मैं सोच रहा हूँ यार, अगर कोई क्लाइंट हो ना इसका, क्या नाम है दूसरे का, I8 का, मैं बेचना चाह रहा हूँ यार इसका, निकलवाओ यार ज़रा। अबे क्या हो गई लड़की, इतनी सेक्सी गाड़ी तो है, क्या हो गई तेरे को? यार बस फिर भी ना यार, मुझे अब बेचना है इसको, मतलब काफ़ी यार पेट्रोल वगैरह खर्चा वगैरह काफ़ी है इसका। अबे यार वही कहते हैं ना, गरीब गरीब ही रहेगा बस। अच्छा, आप ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो। चलो ठीक है, मैं फिलहाल चलता हूँ। लड़के को बहुत साफ बहुत कर दिया यार उसने, लड़का अच्छा रखा वैसे। अबे यार बस क्या बताऊँ तेरे को, रखने पड़ते हैं, अकेला भी थक जाता हूँ तेरे को पता है। बिजनेस अलहमदुल्ला इतना हैवी जा रही है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं फिर फिलहाल चलता हूँ और फिर होती हूँ मुलाकात है। ओके लड़की ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी जब भी आपको काम हो तो मेरे को बस एक मैसेज कर दो, मैं आ जाऊँगा। हाँ चलो ठीक है, मुझे आप कोई बात मैं बता दूँगा। ओके लड़की, बाकी और स्पॉइलर वगैरह कुछ और चाहिए तो मेरे को बता दियो, मैं बंदोबस्त करा दूँगा। नहीं नहीं आप थोड़ी देर स्पॉइलर के बगैर चलाते हो ना, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, चल लड़की ठीक है, चल भाई लड़के बस कहते हैं बुझा रही है, बस बस बहुत साफ होगी। मैं इधर इंजन खोला हुआ है उसको देख लूँ यार, इस इंजन के बाहर लीक हुए पड़े हैं सारे। चलो यार, थैंक यू यार, आपने काफ़ी गाड़ी साफ कर दी, थैंक यू। चलो भाई चलते हैं सीधा बाकी अपने घर। आए हाय, आप साउंड सुना ज़रा एक बार, इधर साउंड बड़े मज़े का आता है, आप सुना ज़रा एक बार। अरे क्या शोर मचा रही है? अबे 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 रशीद बोल रहा है। चलो यार चलते हैं अब। चलो भाई यार देखो, आप स्पॉइलर के बगैर कितनी हैवी लग रही गाड़ी। स्पॉइलर यार एक तो वो बड़ा काफ़ी लगा हुआ था, उसके अलावा वो यार टूट रहा था बीच में, ना क्रैक्स आ गए थे बीच में, तो इसलिए मैंने कहा यार उसको टाइम से उतरवा दे तो बाद में बुरा लगेगा यार। ऊपर से रशीद आराम को मिल नहीं रहा था यार। खैर आज इसको मिल के गाड़ी का अलाइनमेंट भी करवा दिया भाई आपके ने, अलाइनमेंट का मसला भी था ना आपको पता भी थोड़ा सा, तो वो भी हल करा दिया उसके साथ साथ भाई, वो भी स्पॉइलर भी उतरवा दिया। चलो अब चलते हैं फिलहाल घर और जाके अब सोते हैं भाई आराम से। यार वो जो है शफीक अंकल का दोबारा यार मेरे को फ़ोन आ गया, कहते कि भाई कोई मिला नहीं बंदा। मैं क्या यार ढूंढ रहा हूँ, क्या कहते हो? अब यार मैं तो किसी का पता करूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं जाने वाले हैं, जाने वाले वैसे इतने हैं नहीं, लेकिन कोई अगर एक तो जानता भी है तो यार उनके अपना घर है, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे रेंट पर रहने की, तब क्या करूँ सोच रहा हूँ यार अब। बाकी स्पॉइलर तो आ दिया भाई आपके ने। चलो अब यार ये नहीं खुलेगा। चलो भाई हाँ ओ जी, चलो वॉइस पहुँचा है भाई आपका इधर। अबे तया वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया इन्होंने। एक तो दोनों भाई कसम से, एक बात बताऊँ ना, इतने क्या कहूँ मैं, भले हैं दोनों कसम से सिगरेट पी पी गए इन्होंने। तया भाई यार बाप ने ये काम शुरू कर दिया है पापा वाले। ओए ओए यार किशन दसी ना खास तो दे अपने अबे नजर से हो, मैंने रोक के गया से यार कि सिगरेट नहीं पीनी। तो यार आप ना पियो ना, फिर क्यों पी रहे हो? ओ यार बतला बोल रही सी, चल कोई नहीं तू थोड़ी बहुत पी लेनी होती है। हाँ कुछ शर्म कर लो यार थोड़ी सी। अच्छा, मुझे बकवास ना कर तू, जा चुप करके अंदर, और स्पॉइलर लगाता ही। हाँ उतार उतरवा दिया मैंने। ओ चल गुड हो गया गुड हो गया, चल ठीक है फिर जा तू दफो। हाँ तो जा रहा जा रहा हूँ, कम पिया करो इसको ज़रा। अच्छा, दिमाग ना खराब कर मेरा। चलो यार अब जाते हैं भाई आराम से अपना अंदर जाके जो है सोते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं वो काम है तो यार। चलो भाई अब चलते हैं हम जरा अपने कैमरे में। एक तो यार ये रशीद के पास रह रहे ना, मैं भी उल्टा लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया। आए यार थोड़ा सा मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ, थोड़े काम करने हैं ना यार। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम माइकल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक। अच्छा आप फिर कब आ रहे हो, आपसे बात हुई थी?
यार मैं बस घंटे में आपकी तरफ पहुंच जाऊंगा, मैं थोड़ा दूर हूँ इसलिए मैं तुम्हें आ जाता हूँ। चलो ठीक है, आने से पहले जब फिर इधर आ जाओ ना, आपको लोकेशन तो बताइए, तो जब आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके मैं आपको कर दूँगा, मसला नहीं है। और वैसे आप करिए ना। हाँ हाँ मैं फिलहाल कर, पर जब जैसे आप पहुँचे तो मैं आ जाऊँगा, मैं पास ही हूँ। चलो ठीक है ओके ओके। यार आपने फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ओए ओ तू कितों आ गया, चलो मैं पता लगा के गया। यार कोई नहीं, थोड़ी जी पी रहे, ऐसे इतना नहीं पीते। कोई जो अपनी एज का कोई लिहाज, एज का ही कर लो कम से कम, और नहीं तो। अच्छा अच्छा चल, कोई नहीं टेंशन ले। और फिलहाल चलो यार, ज़रा जाना है, इधर एक छोटा सा काम है, वहाँ से हो गया तो फिर चलते हैं। मैं इधर बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। ओके ओके जा तू आराम नाल। अजीब यार, मैंने रोका भी है कि ना आप तो ना पिया करो कम से कम, मुझे बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है, मैं भी छोड़ना जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहूँ मैं बिल्कुल। चलो यार अभी सोच रहा हूँ यार, असल मैंने इधर निकला हूँ, घर वगैरह देखते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी इधर कोई घर ले लेते हैं सही वाला, जो बड़ा भी हो, तो उस हिसाब से फिर जो है ना कर लेंगे सारा काम। चलो भाई इधर यार, वैसे मैंने देखे हैं एक तो ये घर था, इसका भी मेरी प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है, वो कह रहे कि ये भी बेचना चाह रहे हैं, तो अब देखते हैं, अगर ये पसंद तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं सही इतना, क्योंकि अरे गाड़ियाँ ज़्यादा ले जाता जिम्मी, तो फिर वो खड़ी करने की जगह भी होनी चाहिए ना। ये भी कम कमरों वाले ही हैं, कम से कम सारे सब में मेरे ख्याल से एक दो कमरों वाले ही हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा घर मिल नहीं रहा यार। या तो मेरे ख्याल से दूसरी जाना पड़ेगा ज़रा पहाड़ियों वाली साइड पर आगे, मतलब जो है सैंड शोर्स और लोस सैंटोस के रास्ते में जो आता है उधर प्लेटो बेवल साइड पे, तो तभी वहीं पे मिलेगा मेरे ख्याल से कोई सही घर। और एक ये भी बता रहा था, ये थोड़ा सही लग रहा मुझे, इसकी यार फिलहाल चाबी तो नहीं है मेरे पास, मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ज़रा बाहर से देख लो एक बार, सही लग रहा है यार। लेकिन ये भी जो है ना, मुझे लग वही रिस्क भी हिसाब रहा है कि छोटा ही है, मतलब कम कमरों वाला ही है। यहाँ पे एक तो बनाते हैं यार ऐसे घर हैं कि भाई बस एक या दो कमरे, तीन कमरे, इससे ज़्यादा नहीं, जितनी फैमिली होती है उतने घर बना देते हैं बस, बाकी सारा टीवी लाउंज और ये सारी चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि यार गेस्ट रूम अब ज़रूरी है भाई, आते जाते रहते हैं लोग, और वैसे भी जो है अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो है घर बड़ा हो, इसलिए खैर जो भी है अब चलते हैं फिलहाल, और कुछ देखते हैं नहीं तो फिलहाल, क्योंकि फ़ारूक साहब का पता नहीं कब पे करेंगे उनको, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है घर पसंद आ ही जाएगा, तो अगर वो पे कर देते हैं तो फिर यार अपना भी बंदोबस्त करना ना, क्योंकि डीलर से मैंने बात कर ली थी, डीलर ने भी भाग के करवा ही दिया इनके साथ रबता, तो अब अगर वो उनको मैं ना भी नहीं कर सकता तो फिलहाल, अबे क्या कर रहा है, फिलहाल अपना भी यार देखना पड़ेगा कोई हल कि किधर रहें हम खुद, बाकी चलो देखते हैं। अबे यार यहाँ पर अपना एक घर भी तो था वैसे, हाँ यहाँ पर जो है जिमी के लिए बाइक किया हुआ था, किधर था वो मुझे लोकेशन नहीं याद आ रही, आई थिंक पीछे था शायद, हाँ पीछे ही था शायद। अबे फ़ारूक साहब कॉल आ गई थी। जी फ़ारूक साहब बोले। यार मैं पहुँच गया, आप किधर हो, मैं लोकेशन के पास ही हूँ, आप अगर घर में हो तो आ जाओ अभी। हाँ हाँ आप आ जाए, मैं घर पहुँच रहा हूँ। ओके 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 भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज़। ओके चलो यार, वो फिर इनको एक बार घर दिखा लो फिर आता हूँ, मेरे ख्याल उसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे जिधर जिमी को लेके दिया हुआ था, मैंने जो जिमी के लिए लिया हुआ था ना, तो फिलहाल एक दो दिन के लिए या हफ्ता जितने भी टाइम होगा उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम नया घर देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा फर्नीचर वेल फर्निश था, वो घर जो वेल फर्निश है जो जिमी के पास था, जिमी के नाम करवाया हुआ था मैंने, तो उसी को जो है फिर करते हैं। अबे इतनी सिगरेट पी रही है यार, थोड़ा कम सिगरेट पिया करो, एक तो इतना मैं कितनी बार रोकूं आपको। अच्छा अच्छा इधर देने पी रहे हैं, बहुत बकवास ना कर फिलहाल, सुना फिर घर दा जरा कह रहे सी। हाँ सच, वो पार्टी आ रही है अभी तो उनको दिखाना है घर अभी। हाँ दिखा देंगे आने दे उन्होंने। हाँ हाँ आ रहे हैं वो रास्ते में। ओके किधर गया, लोकेशन तो यही की दिखा रहा है मेरे ख्याल से, इधर ही शायद ये घर है माइकल को। नहीं ये तो नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी इसके पिछली साइड में माइकल को यही है। चलो कोई नहीं, घर चलते हैं, बस अब घर पसंद आ जाए तो चलो यार, मेरे में रोज उसका टेंशन खत्म हो जाए।
तीन चार दिन से जो है रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ा घर देखने। उम्मीद है कि मुझे पसंद है, भाई माइकल डिसेंटो नाम है इतना उसका, अच्छे घर में रहता होगा ऑब्वियसली। तो अबे देखो भाई ये चुनाव जना ओ ठीक यही है, हो ये अच्छे घर लग रहा है यार, शायद यही है लोकेशन तो यही खा रहा है, चलो देखते हैं। हो ये 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 हो ये ये इधर को तो गोली। अस्सलाम वालेकुम माइकल साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र फरूख साहब, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र जी। सुनाए आपके घर ऐसा मुझे लगा वो पीछे लोकेशन जो था ना मैप के ऊपर आप तो सड़क तो पीछे वाले घर दिखा रहे थे पीछे स्ट्रीट में। हाँ हाँ वो बात को क्या होता है, आप उधर से आ रहे हो ना प्लेटो बेस सीधा ही, तो वो बीच में उधर से दिखाता है फिर रास्ता सीधा इधर का नहीं दिखाता। हाँ हाँ वही मैं कहूँ यार ये घर मैंने पहले कभी देखा ही, माइकल का तो नहीं है आई थिंक। नहीं नहीं वो उसमें वो और घर है वो भी फॉर सेल ही, अगर आपको देखना तो वो भी मैं दिखा दूँ, कोई मसला नहीं है। ओह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं वो तो बस वैसे ही मतलब जानने वाले ही है। ओह अच्छा 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 और उसने आए पहले चाय पानी पीते हैं फिर देखते हैं घर। नहीं नहीं यार माइकल थैंक यू सो मच, मैं खा भी गया हूँ। ये भाई आपके? हाँ हाँ ये मेरे बड़े भाई, आपसे मिले हैं पहले भी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मैं आपको थोड़ी टाइम पहले मिले थे तो मुझे याद नहीं थे आप। ओ कोई गल नहीं कोई गल नहीं, आओ कोई चाय पानी पियो तो फिर तुम घर चार भी खाने। नहीं नहीं यार मुझे बस ये माइकल थोड़ी लेट हो रही है तुझे पता, जल्दी थोड़ा काम आजकल जो है ना सारे काम आगे पीछे रह करने होते, तो फिर दिखा तू यार मैं थोड़ी जल्दी में निकलो अगर देखते पसंद आते तो। हाँ हाँ आ जाए आ जाए आ जाएँ आप, ये आपने सामने से देख लिया सारा, आए फिर अंदर दिखाता हूँ, चलें आप आगे की चलें देखते हैं आराम सुकून से अपने घर समझ के देखें, फैमिली वगैरह वैसे भी नहीं है फिलहाल। ओह अच्छा चलो फिर ठीक है, क्या दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो गया आप लोग? नहीं नहीं अभी इधर ही है लेकिन ये बस वो फैमिली बाहर गई हुई है। ओके 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 अच्छा ये हो गया टीवी लाउंज। जी जी ओ ये रखो वो प्रोजेक्टर। हाँ इधर वो प्रोजेक्टर रखा हुआ है टीवी की एज अ टीवी। ओह अच्छा 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 और किचन हो गया। माइकल साहब यहाँ पे कोई बाथरूम में चोरी वगैरह खतरा तो नहीं होता? नहीं नहीं क्या हो गया, चोरी का खतरा कहाँ से आ गया, शहर के बिल्कुल मिड ही है तकरीबन, मतलब जैसे ही आप शहर से आते हैं तो सीधा ये मिड ही पड़ता है आपको, तो ये जगह सबसे बेस्ट है और आपको पता है कि ये बिल्कुल दरमियान में है तो इसकी प्राइस भी इसी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई आप ज़रा वो ऑर्डर कर दें कुछ खाने पीने के लिए तो हम लोग घर देख लो। यार माइकल जरूरत तो नहीं है यार। नहीं नहीं कुछ तो खा पी के जाएंगे। हाँ चलो ठीक है मैं ऑर्डर कर देना। ठीक है तुम देख लो की मंगावा वो कितने गई ऐप ये मेरे ख्याल फूड पांडा वाले दी इन्हों को मंगा लेना कुछ चंगा जी। जी आ जाए फरूख साहब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। हो चलो चलो अच्छा उसके बाद ये एक गैराज है यहाँ पर दो गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। जी वैसे तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते ज़्यादा इसको क्योंकि बाहर चोरी वगैरह डर है नहीं तो बाहर ही खड़ी रहती है हमारी गाड़ी ज़्यादातर। हो जाए सी बात है वो तो किसी हाइट रखी हुई है। हाँ ये वो जिमी ने रखी हुई है आपको पता तो है फिर ज़रा बच्चों का लड़कों को शौक होता है इन चीज़ों का। हो हाँ ये तो वो जमशेद ने भी रखी हुई है ना अपनी फरारी उस टाइम इंपोर्ट करवाई है। ओहो माशाल्लाह आज मैं आपको ऊपर के फॉर्च्यून दिखा देता हूँ, नीचे यही कुछ है और आए आपको पता फिर ये यूएसए डिजाइन कर रहे हैं तो इधर ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल अब जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान वाले साथ तो होंगे नहीं, चलिए चलिए ऊपर आ जाए आ जाए। ये ऊपर जो है तीन रूम्स हैं, ये एक स्टोर रूम है सही है, इधर ज़्यादा तक बंद ही रहता है ये। अच्छा स्टोर रूम में फिर तो कोई मसला नहीं। अच्छा और रूम्स दिखाओ दे मुझे। हाँ आ जाए आ जाए ये एक रूम है जो मैं पर्सनल मेरा रूम है ये आप देख रहे हैं आपको भी पसंद आएगा मेरा जहाँ तक ख्याल है। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा रूम है सही। उसके अलावा ये रहा अपना जो है वार्डरोब, मतलब यहाँ पर सारा सिस्टम है उसके साथ ही अटैच वॉशरूम भी अंदर देख सकते हैं। ओ अच्छा अच्छा जी आ जाए बाकी मैं आपको बाकी कमरे दिखा देता हूँ जो दो रह गए हैं। ये है जी इधर ये वॉशरूम है यहाँ का सही है, मतलब जो पूरे घर का वैसे हर कमरे के साथ अटैच है सही तकरीबन। और ये रूम किसका? ये जी जिमी का रूम है। आ जाओ जिमी। हाँ यार पापा वो रुको यार ये देख लो जरा अंकल आए तेरे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ अंकल वो एक्सरसाइज कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा
अच्छा, ये मतलब ये जमशेद को काफ़ी पसंद आएगा वैसे। जी जी आ जाइए, बाकी मैं आपको तीसरा रूम भी दिखा देता हूँ। ये असल में जो है ट्रेसी का रूम है, ट्रेसी भी बैठी है जी। ये रूम हमारे तीन के तीन है, ठीक है। अच्छा ठीक होगा, ठीक होगा। आ जाए बाकी आपको मैं आगे का नीचे का भी दिखा देता हूँ सारा। चलो चलो, बाकी अच्छा यही कुछ है अंदर को। जी जी अंदर वो आपको बताइए, फिर जैसे डिज़ाइन कर रहा है आपको पता है, मैंने पहले बताया। आ जाए आपको मैं ज़रा पीछे का सारा सारा दिखा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आज चलो चलो। ये पीछे जो है यहाँ पे डाइनिंग टेबल साथ किचन के, और मतलब यहीं पे हम खाना वगैरह सारे मिलके गैदरिंग हो जाती है ज़रा अच्छी। ये पीछे स्विमिंग पूल है, बाकी आपने घर मेरा देखा हुआ मेरे ख्याल से पहले? नहीं यहाँ तो पूरा नहीं देखो, बस थोड़ा सा देखो तो। ओके ओके सर। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है पीछे, उसके बाद वो सामने पीछे जो है टेनिस का भी अपनी जगह ही है। अच्छा, मतलब अपना ही सारा बनाया सिस्टम। हाँ बस टेनिस का पहले शौक था तो बस मैंने फिर वो बनवाया हुआ था उसको। और यहाँ पर भी ये छोटा सा एक गैराज है, यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये अपना जो है यहीं से ये रास्ता ज़्यादा सीधा ये टेनिस ग्राउंड को। अच्छा, ठीक हो गया। आ जाइए बाकी घर तो मेरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, आपको पसंद भी आ गया मुझे। और मतलब फिर क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी, बता सकते हैं? आप देखें, आपने खुद लोकेशन देख ली है, जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ ढाई कनाल में घर है ये, ठीक है। तो अब आप खुद देख लें प्राइस। मैं तो ठीक है देख रहा हूँ, लेकिन आप डिमांड तो देना, आप कितना इसका, आपको कितने की चाहिए, पेश कितने करें, मतलब आपकी डिमांड क्या? मैं तो तकरीबन 12 करोड़ का कह रहा हूँ, देख लें बाकी आप। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देख लें, अब आपको खुद पता है, जाहिर सी बात है मिड में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आराम से सेल हो सकता है, आपको पता है इस चीज़ का। हाँ जी ये तो है, लेकिन यार फिर भी थोड़ा जो है थोड़े से तो कर दो यार। देख लें बाकी आप, अब जाहिर सी बात है इससे मैं कम क्या करूँगा। वैसे मैं चाह रहा था 13 या 14 करोड़ डिमांड करूँ, लेकिन मैंने 12 ही किया। चलो ठीक है फिर। अच्छा चलिए माइकल साहब, फिर 12 फाइनल है वैसे, इससे मतलब नहीं हो सकता नेगोशिएट? नहीं अब देख लें, आपके सामने है ढाई कनाल जगह है, इसी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। ऊपर आपने देख लिया कितना स्विमिंग पूल बीच में है, पीछे टेनिस ग्राउंड भी है, आगे जगह कितनी ज़्यादा रखी हुई है, हर चीज़ आपके सामने है बाकी। अच्छा चलो, माशा करता हूँ सबको प्यार बना हुआ। चलिए फिर मैं भाभी से, आपकी भाभी से रब्ता करके तो मैं मतलब उनसे मशवरा करके बता दूँ आपको। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। अगर और अगर हमारी सलाह बन जाती है तो इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड तक हम प्रोसीड कर देंगे सारा। ठीक हो गया, चलिए कोई मसला नहीं। मतलब मैं फिलहाल आप मुझे 1-2 दिन में कंफर्म कर दें, 1-2 दिन में, ताकि मैं फिर आगे लोगों को दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि मैंने तो यहाँ से बेचते ही बेचना, मैं इधर किसी और जगह शिफ्ट होने लगूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में बता देता हूँ, तो उस हिसाब से फिर कर लेना। हाँ चलें ठीक हो गया, आ जाए। ओके ओके आ जाए। वैसे थैंक यू यार। सो खाना वगैरह तो खा लें, किधर जा रहे हैं? ओ यार माइकल साहब, फिलहाल मैं आपको बताया, मैंने जल्दी है, फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपके भाभी के साथ आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह जरूर खाएंगे। देख लें अब, वैसे वो मंगवा लिया होगा उन्होंने अभी तक। नहीं यार थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह अगली बार जब आऊँगा तो तब हम कर लेंगे सारा। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके चलिए माइकल साहब, सी यू सून। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई। चलो यार वैसे डिमांड तो काफ़ी करे, लेकिन माइकल का घर है, डिसेंटा के घर में रहना, एक तो इधर इज्जत काफ़ी बन जाएगी ना। तो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी सी लिमिट पुश कर लेते और यही घर बाय कर लेते। वैसे मैं एक बार अपनी बेगम से जो है रब्ता कर लूँ, मतलब उनसे मशवरा कर लूँ, तो फिर इसके बारे में सोचता हूँ यार। मुझे तो काफ़ी पसंद आया वैसे, सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर प्रोसीड करता हूँ यार, इससे पहले कहीं और बेचे हो तो मेरे ख्याल है मैं खुद ही बाय कर लेता हूँ इसको। चलो फिलहाल इधर एक गोल्फ क्लब में मीटिंग भी है, तो इसको अटेंड करते हुए चलना चलता है। घर तो काफ़ी पसंद है मेरे ख्याल, कर ही लेते हैं, इसके लिए जो है ना पूरा करना पड़ेगा मुझे। चलो भाई, उम्मीद तो है कि ये
फ़ारूक साहब को पसंद तो काफ़ी आ गया, वैसे पहले भी आए हुए हैं, मुझे इन्होंने एक बार पहले जिक्र किया था कि जो है मुझे घर चाहिए, तो फिर उस हिसाब से बाकी फ़िलहाल अब उम्मीद है कि ये बाई कर लेंगे। अगर तो कर लेते हैं तो यार मेरी ज़रा ज़रारत कम हो जाएगी, हर जगह जो जाना पड़ेगा ना, मतलब बार बार लोगों को दिखाने से एक को दिखा के इनको फाइनल कर दूँ। मेरे ख्याल अगर इधर नहीं ना होता तो फिर डिमांड में बढ़ा दूँगा, मेरा ख्याल है 15 तक में ले जाऊँगा डिमांड जो है ना, 15 करोड़ तक घर की डिमांड रख लूँगा, क्योंकि यार 12 करोड़ मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। और चलो फिलहाल अगर ये कर देते हैं तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ हो ना या ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ये कि मैं नेक्स्ट जो होगा अपना कस्टमर तो उसको मैं दिखाऊंगा और उसको सीधा ही 15 करोड़ डिमांड करूंगा भाई, फिर अभिषेक थोड़ा बहुत कम हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। बाकी खैर उम्मीद काफ़ी है कि जल्द से जल्द बिक जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तेरा नाम लिखा साहिल पे लहरों से डरे अब उम्र भर, तेरा नाम लिखा रास्ते पे सफर में ही जैसे मेरा घर, तेरे नाम पे मिट जाऊं हो जाऊं फना तू हुक्म कर, तू ही मेरी निजात हर सितम से, फिर क्यों तू है सितमगर, मुझे समझ है कि